नमस्कार, मैं शशांक न्यूज़ 22 स्कोप के लिए। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के मशहूर हास्य कलाकार संजय मिश्रा सर। आइए जानते हैं इनसे कि हजारीबाग क्यों आना हुआ और हजारीबाग वासियों के लिए क्या संदेश है। सर, हजारीबाग आए आप, क्यों आना हुआ, कैसे इधर का? एक टॉप टेक सीमेंट है, हजारीबाग का ही प्रोडक्ट है, उसके ऐड के लिए हम आए थे। हमने शूटिंग पटना में की क्योंकि टेक्निकली वहाँ ज़्यादा सुविधाएँ थी, बट यहाँ का प्रोडक्ट था तो उसके लिए यहाँ आना पड़ा, है ना। तो और सर, जैसे कि हजारीबाग के लोग जानना चाहेंगे कि हजारीबाग आपको कैसा लगा? कैसा है रे, कौन जगह है हजारीबाग? नहीं नहीं, रांची। हजारीबाग कैसा लगता है? हजारीबाग तो हमको भी बहुत अच्छा लगा। हजारीबाग हरियाली है, खूबसूरत है, बढ़िया है। और मैं जब आया तब बहुत ही बारिश वगैरह हो रहा था तो और अच्छा लगा। और सर, एक चीज़ और हम जो जानना चाहेंगे, बॉलीवुड का, जैसे बॉलीवुड में इधर के कम लोग जाते हैं, क्या स्कोप दिखता है आपको हजारीबाग और झारखंड में बॉलीवुड का? इधर के कम लोग जाते हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं, मतलब अब बिहार झारखंड अलग हुआ है वो, लेकिन हमारी तरफ से काफ़ी लोग हैं बम्बई में, एक्टरों में काफ़ी लोग हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, हम हैं, मनोज वाजपेयी हैं, अभी के इसके पहले भी काफ़ी लोग रहे हैं बिहार झारखंड के। उधर कैमरा में बड़े बड़े लोग हैं जो बिहार से ही हैं, असीम बजाज हैं, इम्तियाज़ अली हैं डायरेक्शन में जो आपके जमशेदपुर से हैं। तो हजारीबाग या झारखंड या बिहार अपनी जगह वहाँ खाली नहीं होने देता, किसी न किसी को बिठा के रखता ही है और अच्छा काम करते हैं हम लोग। जैसा कि जनता में एक क्रेज होता है कि बॉलीवुड के लोग बहुत हाई फाई, लेकिन हम तो आपको बहुत सिंपल लाइफ में देख रहे हैं। अब क्या कुछ भी क्रेज बना ले, हमारी भी सांसें चलती हैं, खाते पीते हैं, है न रे, तो समझ रहे हैं ना। तो ये बनाया हुआ क्रेज अलग होता है, जो आप हैं वो हैं, बदलना नहीं चाहिए लाइफ में कभी। हजारीबाग की जनता के लिए क्या समझो, कैसा लगा आपको हजारीबाग, स्पेशली हजारीबाग कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत खूबसूरत है हजारीबाग। दिल में एक आया था कि जब रिटायरमेंट होती है तो कोई एक जगह इंसान ढूंढता है, तो हजारीबाग हमको लग रहा है कि शायद हम यहाँ एक छोटा सा घर बनवाएं और यहीं बाकी की ज़िंदगी गुजारें, ठीक ना। तो ये थे बॉलीवुड के मशहूर हास्य कलाकार संजय मिश्रा सर, जो रिटायरमेंट के बाद हजारीबाग में ही बसना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने हजारीबाग के लोगों को संदेश दिया है। इसके लिए जमीन, सीमेंट, लकड़ी, पत्थर, प्लम्बर का काम बहुत काम होता है, अभी सोचा है। ये सब हजारीबाग आपको अवेलेबल करा देगा सर? अरे नहीं, ऐसा नहीं, सब ठीक है। हाँ, लेकिन वाकई में एक जो कहते हैं ओल्ड एज होम के लिए बहुत बढ़िया है ये। तो ये थे मशहूर हास्य कलाकार संजय मिश्रा सर, जो बता रहे थे कि हजारीबाग की आओ हवा बहुत अच्छी है। कैमरा पर्सन के साथ मैं शशांक, न्यूज़ 22 स्कोप के लिए।